तो अस्सलाम वालेकुम, ये देखे अभी हो रहे हैं 7:10 और बच्चों का माशाल्लाह से हिप्स भी कंप्लीट हो गया है, हिप्स क्लास। तो ऑनलाइन क्लासेस हैं आज से, और ऑनलाइन क्लास चल रही थी मेरे मोबाइल में तो इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए नहीं हुआ। और अभी माशाल्लाह से सबक सब सुना लेनी, तीन जन भी हजरत को, शेख को। अच्छा, जैनब का कहाँ तक हुआ? जैनब का आज नया सूरा। माशाल्लाह, जैनब का आज शुरू हुआ है नया सूरा। कौन सा सूरा? सूरा नाम सूरह सफ, 28 पारा। नहीं, हाँ पढ़ लिया, वेरी गुड। जारा का? जारा का जल्दी जल्दी, मेरा जारा का काम हुआ। मैंने पहले यहाँ से इतना नया सबक पढ़ी, 5 लाइंस नया सबक, और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ी, फिर रिवीजन पूरा फल, और फिर अब रेसिटेशन कर, हाँ पूरा वन पेज प्लस रेसिटेशन ऑफ रिवीजन, रिवीजन रेसिटेशन एवरी डे हाफ जूस। यूसुफ का? यूसुफ का हुआ नया सबक हिफ्ज, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेको यहाँ तक। बराबर बताओ यूसुफ, यहाँ से लेको यहाँ तक नया हिफ्ज, उसके साथ रिवीजन पूरा वन पेज। माशाल्लाह से यूसुफ का भी इतना हो गया। और यूसुफ एक आयत कौन सी टेबल को सुनो तुम्हें, हर रोज एक जने बोलो। ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ओके तो चलो अभी नेक्स्ट है स्कूल की बारी, और अभी नेक्स्ट होना है स्कूल के लिए रेडी, रिवीजन रिवीजन रेसिटेशन भी कर लियो सो। तो यहाँ पे एवरीडे होता है नया सबक हिफ्ज प्लस उससे पहले का रिवीजन, और पूरा मिला के एक पेज पूरा सुनाने के बाद उसके बाद होता है रिवीजन रेसिटेशन हमारे घर पे। तो ये तीन चीज़ हर सुबह चलते हैं, रिवीजन रेसिटेशन यानी अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार रेसिटेशन किया जाता है, क्योंकि सूरे कभी ना भूल सकें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ैनब जल्दी जल्दी फिनिश करा लो, ओके जल्दी जल्दी उठ कर उसका स्कूल को रेडी हो जाओ। 7:10 हो गई, 7:40 तक टाइम है रेडी होने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो बहुत दिनों के बाद आ रहा है मेरा व्लॉग, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। और बच्चे वहाँ पे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, और ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ उन बच्चों के लिए लंच, तो ये जाएगा अभी टिफ़िन में। तो ये है ना, कल मैंने बनाया था पूरी और पल्या, तो वही पल्या भी लेफ्ट ओवर था, तो मैं यहाँ पे उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उस पल्ये को मैंने यहाँ पे बना दिया था आलू परोठा। तो फिलिंग अच्छी तरीके से करने के बाद और बड़ी ध्यान से बेलने के बाद ये देखिए फिर भी थोड़ा थोड़ा आलू दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं आलू परोठा। तब तक आलू ना दिखे तो वो परोठा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए तेल डालने के बाद इसकी शाइनिंग जिस तरीके से आई थी ना, गोल्डन ब्राउन कलर आया था रोटी के ऊपर, तो इतना यम्मी इतना टेस्टी भी दिख रहा था वो, और खाने के टाइम पे आलू आलू भी मिल रहा था। तो इसी बहाने मैंने एक परोठा अपने लिए भी बना लिया था यहाँ पे, और इसके बाद जो भी परोठा था मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन में पैक कर दिया। और या अभी यहाँ पे स्कूल के लिए भी रेडी हो गए हैं बच्चे माशाल्लाह से, रहे यूसुफ ज़ैनब। ज़ैन लेस बने? ज़ैन हाँ चलो लेस बनती हूँ मैं। दीदी कहीं? दीदी कहाँ? बाहर दीदी को मैंने स्टूल रखो ना, स्टूल के ऊपर पहनो, बोली नहीं जरा स्टूल के ऊपर पेट को पहने, वहाँ पेट को पहनती हूँ शूज करो, गर्म टोपी रख ले को। तो अभी निकलते हैं स्कूल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का पूरा हमारा जो भी रूटीन था अल्हम्दुलिल्लाह, हिफ्ज रिवीजन रेसिटेशन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, और इसके बाद हम लोग जल्दी 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 करके लिए स्कूल के लिए रेडी होते हैं। और अभी यही टाइम है, 8:10 को है बेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक जाते हैं 15 मिनट्स हो जाएंगे। सो देन ये सब बैग्स लेके जाकर खोजो अंदर, ये देखिए गाइस ये है क्यूटी क्यूटी बच्चा हमारा मदरसे का, वीडियो पकड़ी है विश, सलाम करो विश, स्कूल को जा रही है। ए जो मां तेरे शेकन देना, शेकन दियो तेरे तेरे जल्दी तेरे जल्दी आओ विश। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हो रही थी लंच की तैयारी, बट उसी बीच ये देखिए यहाँ पे हो रही थी ज़ोरों की बारिश। और ये बिल्डिंग है हमारे घर के बाजू की बिल्डिंग, तो मैं यहीं से छोटी सी वीडियो ले रही थी बारिश की। तो इसी में बारिश में हमें चाहिए था गरम गरम तेज़ तेज़ पाल, तो मैं यहाँ पे बना रही थी पाल, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, हरी मिर्च, कथी मिर्च, ये सब मैंने मिक्स करके ग्राइंड करके यहाँ पे डाल दिया था। और ये था मटन मेरे लिए, और ये था बच्चों के लिए बीफ।
तो माशाल्लाह से तेल और नमक डालने के बाद चार सीटी दी, विजिल देने के बाद फाल भी रेडी थी और यहाँ पे खिचड़ी भी रेडी थी। तो खिचड़ी और फाल का कॉम्बिनेशन यम्मी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल से आ गए हैं फुटबॉल टीम में। सेलेक्टेड नहीं, खाली नाम आ दिन सो नॉमिनेशन से फुटबॉल टीम जैसे इंटरव्यूज के। अच्छा आप सुनो यहां, मैं जो है नहीं बायोलॉजी में कितना मिला बोलो? 7.5 अस्तगफुर आउट ऑफ 8। व्हाट नॉनसेंस, मैं जो कितना कितना नॉट 25 आउट ऑफ 8 कंप्यूटर में जाकर बाजी खा ली, उनको पला ली, तुमने नहीं पला ली, कहीं को पूछना नहीं। रेडी थे वेस्ट, तुम्हें सबक के साथ रेडी थे, पढ़ को रेडी थे यार, है तुम ना सबक। पढ़ो अंगी रख कर पढ़ो, उंगली कहाँ है, पढ़ो रखो नीचे। उंगलियाँ नहीं है, आगे उंगलियाँ, आगे वेस्ट की उंगलियाँ, आगे पढ़ लो जल्दी, पढ़ लो जल्दी, अंगी रखो पढ़ो, पढ़ लो जल्दी। अली बात सब पढ़ को सुनो, कौन सा बर्गर ये, आ जाओ जल्दी लियो बर्गर ले लियो। वाओ बर्गर, मैं खोलूं क्या मम्मी का? और ये था मगरिब के बाद का वक्त। तो मगरिब के बाद के वक्त में हम खा रहे थे यहाँ पे बर्गर और यही हो गया था डिनर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके बाद तो नमाज, ईशान की नमाज और सोने का वक्त। और यहाँ पे ज़ैनब की हो रही थी सूरह मुल्क, सूरह सजदा और रात के सोने के अस्कार और हो गई रात।